नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेड आते रहते हैं, उसी तरह से आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक नया अपग्रेड बताने वाले हैं, और वो जो अपग्रेड है वो हार्ड ड्राइव को लेकर है। जिस तरह से कैमराज में अपग्रेड हुए हैं, मेगापिक्सल्स बढ़े हैं, मेगापिक्सल्स के साथ साथ में उनकी स्मार्टनेस बढ़ी है, उनके अंदर एक AI फीचर आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आपने कई ब्रांड के अंदर देखा होगा, उसी तरह से उसी चीज को लेकर जो कैमरा AI फीचर को सपोर्ट करता है, उसी तरह से DVR भी AI फीचर को सपोर्ट करता है। तो DVR के अंदर भी अपग्रेड आ गए कि उसमें भी AI इंटरफेस आ गए, AI फंक्शंस आ गए, उसी तरह से NVR में भी आए। तो उसका सबसे बड़ा हार्ट, अगर मैं एक DVR का एक हार्ट पकड़ू या फिर कैमरे की बात करूं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है हार्ड ड्राइव का, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं वो सब रिकॉर्ड करना होता है। हमें तो रिकॉर्डिंग का ही काम होता है, ना कि हमें लाइव देखने का ज्यादा काम होता है। तो हार्ड ड्राइव के अंदर भी काफी सारे अपग्रेड आए हैं, और आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं Seagate की सर्विलेंस AI हार्ड ड्राइव के बारे में। इस हार्ड ड्राइव ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, काफी नए फीचर्स आए हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं पाएंगे, परफॉर्मेंस काफी अच्छी बढ़ गई है। तो क्या है ये परफॉर्मेंस, क्या है ये AI फीचर, क्या नया कुछ आया इस हार्ड ड्राइव के बारे में, और क्यों हमें ये हार्ड ड्राइव यूज करनी चाहिए, आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपको हमारे वीडियोस, ये हमारी जो सीरीज है, हमारा ये जो नॉलेज है, हमारा आपस का जो नॉलेज है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। पहले की जो हार्ड ड्राइव आती थी वो हार्ड ड्राइव नॉर्मली सर्विलेंस हार्ड ड्राइव होती थी, क्योंकि इसके पहले तो डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव आती थी। इसके बाद में मैंने एक वीडियो बनाया था आज से करीबन एक साल पहले, जिसके अंदर मैंने आपको सर्विलेंस हार्ड ड्राइव के बारे में बताया था। अब ये जो सर्विलेंस हार्ड ड्राइव है वो और अपग्रेड हुई है। पहले की जो सर्विलेंस हार्ड ड्राइव आती थी, जिसके अंदर हम कहा करते थे राइटिंग स्पीड और रीडिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड ज्यादा है, रीडिंग स्पीड कम होती है, क्योंकि DVR और NVR को ऑलवेज राइटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, ये तो आप मानते ही होंगे। दूसरी चीज आती थी वर्कलोड की, कि जो वर्कलोड है वो इसका ज्यादा होता है, क्योंकि जो कैमरा, जो DVR या फिर जो NVR हम यूज करते हैं, उसको 24 आवर 7 डेज और 365 डेज वर्क करना होता है। तो यहां पर जो वर्कलोड है वो काफी होता है, कंटिन्यू रोज के डेटा आते हैं वो डिलीट होते हैं, उसके ऊपर रीराइट होते हैं, तो इसको वर्कलोड कहा गया है। तो ये वर्कलोड उस टाइम पर होता था करीबन 180 TB इन अ ईयर। तो ये जो दो फीचर है, इन दो फीचर के ऊपर बात होती थी। अभी ये जो Seagate ब्रांड है उसकी AI फीचर वाली जो हार्ड ड्राइव आई है, यानी कि सर्विलेंस AI फीचर है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि जिस वजह से आज के इस टाइम के अंदर हमें Seagate की हार्ड ड्राइव यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्कलोड के बारे में। जैसे कि पुरानी जो हार्ड ड्राइव थी वो वर्क करती थी करीबन 180 TB पर ईयर, उसका वर्कलोड होता था। लेकिन ये जो AI इंटरफेस की जो हार्ड ड्राइव है, सर्विलेंस AI हार्ड ड्राइव Skyhawk की, वो वर्क कर रही है अभी, उसका जो एफिशिएंट वर्कलोड है वो हो गया है 550 TB इन ईयर, मतलब कि 3 times इंप्रूवमेंट हो गए हैं इसके वर्कलोड के अंदर। सेकेंड थिंग हम बात करें तो राइटिंग स्पीड के ऊपर, अब जो राइटिंग स्पीड है वो पहले राइटिंग स्पीड ज्यादा होती थी, रीडिंग स्पीड कम होती थी, अब यहां पर 50-50 का रेशियो है। क्यों ऐसा है? तो अभी जो कैमरास आ रहे हैं, जो DVR आ रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं आता, उसके अंदर कई और ऐसी स्मार्ट फंक्शंस आते हैं, AI फंक्शन आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें फेस रिकॉग्निशन हो गया, बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जिसको उन्हें रिकॉर्ड करना होता है, ये सब अलग अलग फीचर्स हैं। तो इस फीचर्स के साथ में वो रिकॉर्ड तो करता ही है, साथ साथ में उसकी रीडिंग भी एक अच्छी पावरफुल होगी, तो वो हमें जो डेटा का जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छे से करके देगा। तो यहां पर इस वजह से जो रीडिंग स्पीड पहले कम हुआ करती थी वो भी 50-50 के रेशो पे, मतलब 50% राइटिंग और 50% रीडिंग यहां पर आ गया है। थर्ड फीचर के अंदर में अगर बात करूं तो इस हार्ड ड्राइव के अंदर 64 कैमरास HD स्ट्रीम कर सकते हैं,
32 AI streams यहाँ पर available हैं, यानी कि एक hard drive लगाने के बाद में आप एक hard drive के ऊपर भी 64 cameras को एक साथ में stream कर पाओगे। 32 AI stream मतलब 32 AI type के features हैं, उसको stream हम कर पाएंगे इस hard drive के अंदर। Fourth feature के अंदर यहाँ पर image perfect का feature दिया गया है, जिसके अंदर कोई image drop नहीं होने वाली है और कोई भी AI interface के जो data है, AI data है, वो भी lost नहीं होंगे। तो जितने भी CCTV cameras हैं, जितने भी NVR, DVRs हैं, उसके अंदर जो भी नए फीचर्स आ रहे हैं, उन सभी फीचर्स को सपोर्ट करती है हार्ड ड्राइव। कि आप कोई भी एक अच्छा सा NVR या फिर DVR ले लो, उसके साथ में अगर आप सर्विलेंस AI वाली हार्ड ड्राइव लगाते हो, तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। एक और चीज जो Seagate सर्विलेंस AI हार्ड ड्राइव यहां पर दे रहा है, दैट इज द रेस्क्यू ऑपरेशंस। कई बार ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग रोल होता है कि हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है। वैसे तो ये हार्ड ड्राइव बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है, तो क्रैश होना यहां पर वेरी डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी इन केस एक्सीडेंट होते रहते हैं। और उसी एक्सीडेंट के अंदर अगर हमारे हार्ड ड्राइव के डेटा अगर क्रैश हो जाते हैं, तो यहां पर आप रेस्क्यू ऑपरेशन जो सीगेट का है, वहां से आपको डेटा रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और लास्ट नॉट ऑन द लिस्ट, ये हार्ड ड्राइव 3 ईयर की लिमिटेड वारंटी के साथ में आ रही है। तो यहां पर आपके लिए जो वारंटी फीचर्स है, क्योंकि हार्ड ड्राइव रिपेयर नहीं होती, और जब 3 साल का इसके अंदर आपको वारंटी आ रही है, तो यहां पर भी आप बेफिक्र हो सकते हैं और ये हार्ड ड्राइव काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये था इस हार्ड ड्राइव के अंदर जितने भी फीचर्स हैं। एक बार हम वापस से देख लेते हैं, यहाँ पर समराइज कर लेते हैं कि ये जो सर्विलेंस हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पर वर्कलोड जो कैपेसिटी है वो 550 टेराबाइट जो 3 टाइम इंक्रीज हो गई है। इसके बाद में इसके अंदर रीडिंग और राइटिंग कैपेसिटी जो है वो 50% हो गई है। 64 कैमराज जो HD कैमराज हैं, वो इसके साथ में आप स्ट्रीम कर सकते हैं। 32 AI कैमराज जो है वो आप इसके साथ में स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर एक इमेज परफेक्ट AI का यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया गया है। तो ओवरऑल कहा जाए कि ये हार्ड ड्राइव काफी अच्छी और लेटेस्ट बनाई गई है, और मैं रिकमेंड करूंगा आपको भी कि आपको आपके सर्विलेंस सिस्टम के सर्विलेंस सॉल्यूशंस के लिए आपको भी सर्विलेंस Seagate की जो सर्विलेंस AI हार्ड ड्राइव है वो यूज करनी चाहिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम कुछ और नए प्रोडक्ट लेके आएंगे, क्या नए अपग्रेड हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे, नए कुछ गैजेट्स के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज।